हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों अभी तक यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है और आप सोच रहे हैं कि हाँ बेस्ट जोन सिलेक्शन करने के बाद ही फॉर्म को डालूंगा, तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा आपका डिसीजन रहने वाला है। और यदि इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल हो सकता है ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और आप ये वीडियो देख के जोन सिलेक्शन कर सकेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको अपने अनुरूप मैंने जो देखा है उसके अनुरूप बता दूंगा कि कौन से पांच सेफ जोन रहेंगे आपके लिए और कौन से पांच डेंजर जोन हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों, जो एएलपी का जोन सिलेक्शन है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके एग्जाम को क्रैक करने के अंदर। हमारा जो अनुभव है 3 साल का रेलवे में और हमारे साथ में जो दोस्त काम कर रहे हैं उनसे हमने देखा है, सुना है कि जोन सिलेक्शन जिन बच्चों ने अच्छा किया था उनके कम मार्क्स होने की वजह से भी वो सिलेक्शन पा गए हैं, मेन लिस्ट में आ गए हैं और जॉब कर रहे हैं। पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो होनहार थे, अच्छे मार्क्स लेके आए पर उन्होंने जो जोन सिलेक्ट किया वो डेंजर जोन था जिसकी वजह से उसकी कट ऑफ हाई गई और सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केवल अपने होम जोन से ही फॉर्म भरेंगे, चाहे उनकी नौकरी लगे या ना लगे वो दूसरे स्टेट में जॉब नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी और भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो या तो अपने होम जोन में अगर वैकेंसी कम है तो पास वाले जोन में भर देंगे, उनके पास में दो ही ऑप्शन रहते हैं, उन्होंने मन सेट कर लिया कि मैं इन दोनों में से किसी एक में भरूंगा। और तीसरे बच्चे ऐसे होंगे दोस्तों जो केवल ये चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए कहीं पर भी हो जाए। तो आज वो बच्चे ये देख लेंगे कि पांच डेंजर जोन कौन से हैं और पांच सेफ जोन कौन से हैं, उनके हिसाब से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं और आप अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। मैं अपने जो विचार हैं वो आपके साथ में पेश कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पांच डेंजर जोन की। ये जो डेंजर जोन मैंने लिए हैं ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से लिए गए हैं। आप इसी तरह अपने ओबीसी और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के हिसाब से डेंजर जोन और सेफ जोन देख सकते हैं। तो सबसे पहले डेंजर जोन के अंदर दोस्तों पटना को रखा है मैंने। वो क्यों है दोस्तों, उसका रीजन ये है कि सबसे पिछली बार कट ऑफ गई थी इसमें कम, और अक्सर बच्चों की टेंडेंसी ये होती है कि लास्ट वैकेंसी में जिसकी कट ऑफ सबसे कम जाती है बच्चे वहां पर जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि सबसे कम वैकेंसी है दोस्तों, तो वहां पर भरना कोई फायदे वाली बात नहीं है। तीसरी बात, वहां पर जिनका होम जोन रहेगा वो फॉर्म अप्लाई करेंगे क्योंकि उनको पता है मुझे नौकरी चाहिए तो केवल पटना में, नहीं तो नहीं चाहिए, दूसरी जॉब की मैं तैयारी कर ही रहा हूं। तो वो है आपके यूपीएससी मटेरियल, और यूपीएससी मटेरियल जब घुस जाएगा एएलपी के एग्जाम में, ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन बढ़ा देगा, कट ऑफ बढ़ा देगा। दूसरा मैंने रखा है गोरखपुर को, और तीसरा है दोस्तों हमारा बिलासपुर, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी वहीं पे, बच्चे अक्सर देखते क्या है सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ पे है वहीं भर दो, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी भी वहीं पे और जनरल की भी सबसे ज्यादा वैकेंसी पहले नंबर पे वहीं पे है। तो जितने भी जनरल वाले बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरने की बहुत ही जल्दी करी होगी वो सीधा कहाँ भर देंगे, वहां पे, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे है बिलासपुर, चौथे नंबर पे है दोस्तों प्रयागराज यानी इलाहाबाद। अब वो क्यों है, वो इस तरह से है, पटना में तो वैकेंसी कम है, जो बच्चे मीडियम स्तर के होंगे वो वहां पे फॉर्म भरेंगे नहीं, वो भरेंगे कहाँ पे, पास में, दूर वो भी नहीं जाएंगे, वो जाएंगे पास में जैसे पिछली बार हुआ था इलाहाबाद भरेंगे। इलाहाबाद भरने वाले बहुत सारे कैंडिडेट हो जाएंगे, यूपी वाले खुद इलाहाबाद भरेंगे, पटना वाले इलाहाबाद भरेंगे, दिल्ली वाले इलाहाबाद भरेंगे, भोपाल का कुछ हिस्सा भी इलाहाबाद भरेगा, इसी तरह हरियाणा और चंडीगढ़ भी इलाहाबाद ही भरेंगे क्योंकि चंडीगढ़ में भी वैकेंसी कम ही है। तो प्रयागराज को भी मैंने डेंजर जोन में रखा है। और पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों खुद चंडीगढ़। रीजन, सबसे कम वैकेंसी, दूसरा रीजन लास्ट टाइम भी कट ऑफ ज्यादा गई थी। तो ये जो पांच डेंजर जोन है ये मेरे अनुसार मैंने आपके साथ साझा किए। अब दोस्तों जर्नल के अनुसार सेफ जोन कौन से होने वाले हैं मेरे हिसाब से वो मैं आपके साथ साझा करूं, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा मुंबई को, क्योंकि दोस्तों मैं खुद मुंबई से हूं, चाहूंगा कि आप मुंबई आरआरबी में ज्वाइन हो और मेरे साथ में आके काम करें, हम मिले, सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा बात करते हैं फैक्ट की, तो फैक्ट में क्या है दोस्तों,
वैकेंसी के हिसाब से भी देखा जाए तो टोटल नंबर पे वैकेंसी मुंबई की तीसरे नंबर पे है। जर्नल में भी वैकेंसी इसकी तीसरे नंबर पे ही है। तो मैंने भी पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि आप पहले और दूसरे को छोड़ के वैकेंसी में तीसरे चौथे पांचवें की तरफ जा सकते हैं। मुंबई को सिलेक्ट करने का तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वेटिंग क्लियर करना आसान तरीके से, ठीक है। क्योंकि पता है, मैंने पहले बता चुका हूं, मुंबई एक अथाह सागर है, बहुत बड़ा उसके अंदर रीजन आता है। वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर जरूरत पड़ती रहती है एएलपी की। तो वेटिंग पिछली बार भी क्लियर की गई थी, चंडीगढ़ से लड़के उठाए गए, जम्मू कश्मीर की वैकेंसी को क्लियर किया गया, तो जरूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए मैं मुंबई सबसे पहला जो जोन, सेफ जोन में डालना चाहूंगा वो है दोस्तों मुंबई। दूसरी बात, इसमें मुंबई में वही लड़के ज्यादातर अप्लाई करेंगे जो लोकल रहेंगे। मुंबई वाले बच्चे, महाराष्ट्र वाले बच्चे बाहर किसी भी वैकेंसी में अप्लाई नहीं करेंगे। पांचवी चीज मुंबई के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वर्किंग एनवायरनमेंट नॉर्थ के रीजन से बहुत ही अच्छा है। अगर आप एएलपी का जॉब प्रोफाइल देखेंगे तो मुंबई का जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा है अपनी जॉब के लिए। दूसरे नंबर पर सेफ जोन में है दोस्तों बेंगलोर, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी जनरल की चौथे नंबर पे है और टोटल वैकेंसी में भी चौथे नंबर पे आता है। कट ऑफ पिछले वैकेंसी के अनुसार, जो कि अभी हमें कंपेयर नहीं करनी चाहिए पर फिर भी हम मान लेते हैं, तो कम ही गई थी और अदर जोन के कंपैरिजन में। चौथी बात दोस्तों, इसमें भी अच्छी खासी वेटिंग क्लियर होती है, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, जॉब को पाना। अगर मान लीजिए किसी एक आध नंबर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो हम चाहेंगे कि कम से कम वेटिंग में हमारा नंबर आ जाए। तीसरे नंबर पर दोस्तों जो सेफ जोन के अंदर है वो है कोलकाता, क्योंकि टोटल वैकेंसी में भी वो पांचवें नंबर पे है और जनरल की वैकेंसी में भी वो पांचवें नंबर पर है। चौथे नंबर पर जो सेफ जोन है दोस्तों, उसको मेरे अनुसार मैंने माना है भोपाल को, क्योंकि दोस्तों ये सातवें नंबर पर आता है टोटल वैकेंसी में और सातवें नंबर पे ही जनरल कैटेगरी का इसका आता है। अब बात करोगे, आप सोचोगे छठे नंबर क्यों छोड़ दिया, तो छठा नंबर है दोस्तों प्रयागराज का। प्रयागराज आपको पता है एप्लीकेशंस बहुत ही ज्यादा आएंगी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो सातवें नंबर पे जो भोपाल है उसका भी आप चयन कर सकते हो। पांचवें नंबर पे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आप चाहें तो एक छोटा सा रिस्क लेके देख सकते हैं, और वो रहेगा आपका सिकंदराबाद का, क्योंकि सिकंदराबाद में दूसरे नंबर पे अच्छी जनरल की वैकेंसी है, पर अक्सर बच्चे वहीं से फॉर्म भरेंगे, ऐसा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पांचवें नंबर पे मैंने सिकंदराबाद को रखा है, क्योंकि दोस्तों इसका 50-50 चांस है। एक बात और मैं खास बता दूं दोस्तों आपको, आप एक चीज और तरीके से बेस्ट जोन का चयन कर सकते हैं, वो आप अपने आप कर लीजिएगा। उसमें क्या करना है आपको, आपको देखना है कि ये जो मैंने पांच बेस्ट जोन बनाए हैं, ऐसे ही आप अपने पांच बेस्ट जोन बना सकते हैं सभी कैटेगरी वाले, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। उसमें पहले तो आपने ऐसे पांच जोन सेलेक्ट कर लेने, पांचों जोन में जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें आपको देखना है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं एससी एसटी की वैकेंसी जिस जोन में कम है। जिस जोन में एससी एसटी और ओबीसी की वैकेंसी कम होगी तो वहां पे एससी एसटी और ओबीसी वाले फॉर्म को कम भरेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि हम फाइट करें एससी एसटी वाली वैकेंसीज में, तो वो वहां पे कम फॉर्म भरेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा जोन का सिलेक्शन करना। तो दोस्तों ये था मेरा खुद का पर्सपेक्टिव, अगर मैं फॉर्म भर रहा होता तो मैं किस तरह से एएलपी के जोन का सिलेक्शन करता। पिछली वैकेंसी उसकी जो कट ऑफ है दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि उसको आप आधार मानकर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, क्योंकि ना ही तो पिछली तरह वैकेंसियां आई हैं और ना ही पिछली तरह कट ऑफ आएगी। हाँ, हालांकि ये बात जरूर है कि फॉर्म अच्छी खासी मात्रा में भरे जाएंगे, पर जो पढ़ाई करेगा दोस्तों उसका सिलेक्शन होगा। मात्र एक जोन सिलेक्शन से आपका टोटल सिलेक्शन निर्धारित नहीं होता। जोन सिलेक्शन ऑब्वियसली बात है 10-20% निर्धारित करता है, पर 80% आपका निर्धारण होगा आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत और आपकी लगन से। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक किताबें नहीं खरीदी हैं तो वो गलती कर रहे हैं, वो देरी कर रहे हैं, किताबें जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। अगर आपको किरण पब्लिकेशन की किताबें खरीदनी है
तो उसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप किताबें भी खरीद सकते हैं। और आपको जो किताबें अच्छी लगती हैं आप वो पढ़िए, पर मेन मकसद है हमें समझ में आना चाहिए और जो हमने समझा है वो हम एग्जाम में अच्छे तरीके से करके आए। इसी तरह की दोस्तों वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा, लाता रहूंगा। अगर आपकी कोई और भी अगर डाउट है तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, जैसे ही समय लगेगा मैं आपके कमेंट सेक्शन में भी आंसर देने का कोशिश करूंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।